Hello and welcome to my channel Jerek. In this video I'm going to show you how to use chroma key in CoinMaster in mobile. ऐसा कहें in mobile. Chroma keys हम किन किन application में use कर सकते हैं. Chroma keys means हम अपने videos का background किस तरह change कर सकते हैं और ये कौन कौन सी applications में हमें मिलता है, कौन कौन सी applications में हम अपने वीडियोस का जो कि एक ही बैकग्राउंड हो, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा और ग्रीन स्क्रीन पर बनी फिल्में आपने बहुत सारी देखी होंगी, जैसे क्रिश हो गई, फ्लाइट जट हो गई और बहुत सारी ऐसी शाहरुख खान की हो गई, रावण, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होगी जो कि ग्रीन स्क्रीन पर बनी होती है और बहुत ही ज़बरदस्त उसकी जो ग्राफिक्स होती है. क्या मोबाइल के अंदर हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं? जैसा कि हमने सुना है कि कंप्यूटर के अंदर लाइट मोशन स्टूडियो जो हम चलाते थे उसके अंदर हमें मिल जाता था अल्ट्रा की, जिससे हम अपनी वीडियोस के बैकग्राउंड को चेंज कर पाते हैं बगैर किसी दिक्कत के, आसानी से. तो क्या मोबाइल के अंदर हमें ये सारी जो सहूलतें हैं क्या मैसर हैं और कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिनके अंदर हम ये सारा काम कर पाएंगे? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी विषय में. तो सबसे पहले मेरे इस चैनल जेटेक को सब्सक्राइब कर दें. चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है. सबसे पहले हमारे सामने एक एप्लीकेशन आ गई है CoinMaster. CoinMaster में हम chroma key को इतनी आसानी से यूज़ कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ. CoinMaster ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका. न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, 16.9 इसकी साइज़ रखेंगे जो कि हमें बनाना है यूट्यूब के लिए और हमारी जो गैलरी है वो ओपन होने में बहुत ही टाइम ले रही है. पूरा मोबाइल जाम हो पड़ा है मेरा आजकल, इसी से ही काम चलाना पड़ता है और कुछ कर भी नहीं पाते. तो ये लोड हो रहा है, आई होप जल्दी हो जाए. तो इमेज स्ट्रेस से हम कोई भी इमेज ले लेते हैं और ये हमने ले लिया. इसके बाद हम इस पर लेयर में जाकर, मीडिया में जाकर एक वीडियो लेंगे जिसका बैकग्राउंड किसी भी एक कलर का हो. तो ये मस्ट है कि हम जो वीडियो यूज़ करें उसका जो बैकग्राउंड है वो किसी भी एक कलर का हो, चाहे किसी भी कलर का हो लेकिन उसमें दूसरा कलर इन्वॉल्व ना हो. तो हमें यहाँ पर ऐसी कोई वीडियो मिल जाती है जिसका कलर डार्क ग्रीन है, आप देख सकते हैं, और ये कुछ इस तरह का है. पहले तो मैं अपने मोबाइल का वॉइस बंद कर लूँ ताकि हमें कोई रीयूज़ वाली बातें ना सुननी पड़े. तो ये ग्रीन स्क्रीन है और इसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है. तो हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम इसको फुल साइज़ पर रखते हैं. तो सिल्पेट स्क्रीन पर आएंगे हम, इसको हम फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा फुल स्क्रीन पर आ चुका है. अब हम नीचे आएंगे, क्रॉप, रोटेट एंड मर्निंग, फिल्टर, एडजस्टमेंट और क्रोमा की. क्रोमा की में हम बाद में आते हैं, पहले हम ये जो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही हैं इनको थोड़ा सा सीख लें. तो नीचे हमें मिल जाता है लेफला यानी ओपेसिटी, और उसके बाद हमें मिल जाता है बिल्डिंग, और उसके बाद वॉल्यूम, इनोलिप और ईक्यू, रिवर्ब, वॉइस चेंजर, एक्सट्रेट ऑडियो, ट्रांसकोड और इंफॉर्मेशन. ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती है. ऊपर क्या मिलता है? इन एनिमेशंस, ओवरऑल एनिमेशंस एंड आउट ऑफ एनिमेशंस, मिक्सचर, स्पीड, रिवर्स और सिल्पेट स्क्रीन जो कि मैंने आपको यूज़ करके दिखा दी. तो अब बारी आती है क्रोमा की को यूज़ करने की. तो क्रोमा की किस तरह यूज़ होती है? सिंपली हम क्रोमा की में आएंगे, इसको अनेबल करेंगे और ये अनेबल हो चुकी. यहाँ पर आप देखें कि की कलर जो था हमारा वो कौन सा था, ग्रीन रखा हुआ था जो कि वीडियो का था. और यहाँ से अगर आपकी वीडियो का बैकग्राउंड कलर येलो है तो सिंपली आपको येलो रख देना है. अगर येलो नहीं है, रेड है, तो आप रेड रख सकते हैं. रेड भी नहीं है, वाइट है, तो आप वाइट रख सकते हैं. वाइट नहीं है, ब्लू है, तो आप ब्लू रख सकते हैं. तो हमारी वीडियो का इस वक्त कलर क्या है? ग्रीन. तो हम ग्रीन ही रखेंगे और ओके कर देंगे. तो ये हमारी सारी की सारी चली गई. इसको हम आगे खींचेंगे और इसको इसके बराबर में रखेंगे तो 45 और 55 कुल मिला के कितने हुए? 100. तो हमारा काम 100% हो चुका है. अब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं
कि ये हमारी बनकर तैयार हो गई और बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी सवाल हो मेरे पर लिख दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।